हाय ऑनलाइन फैमिली एंड असलकम अपना घर डॉट पी के साथ वी आर हेयर विद द न्यू हाउस एंड अ वेरी वेरी स्पेशल वन और आज का जो घर हमारे पास मौजूद है इट इज़ फाइव मल्ला डबल स्टोरी स्पेनिश हाउस एंड इट इज़ लोकेटेड एट नेवल एंड करेज इस्लामाबाद अब अगर घर के बारे में इट हम बात करें तो फर्स्ट इम्प्रेशन में दिस हाउस लुक एप्स्यूट स्टनर मेन हाइलाइट्स जो इस घर में स्टैंड आउट करेंगी उसमें सर अवल नेवल एनकरेज का ओवरवेलमिंग एनवायरनमेंट है फिर उसके साथ साथ इस घर के फ्रंट एलिवेशन जो कि स्पैनिश टेस्ट जिसमें दिया गया इसके साथ साथ इस घर का इंटीरियर यहां की फैसिलिटीज तो घर की अगर हम स्ट्रीट की बात करें तो इस घर के सामने वी हैव गॉट थर्टी फीट वाइड स्ट्रीट और जो कि फुली कारपेटेड रोड्स हैं यहां पे सो भी हम एंटर होते हैं इस घर के अंदर और बात कर लेते हैं यहाँ के इन्वामेंट की यानी कि नेवल एनक्रेज के, के इन्वायरमेंट की और यहाँ के माहौल की तो अगर उसकी बात की जाए तो एक वर्ड में एसोसिएट कर सकता हूँ यहाँ पे साइलेंस बहुत ज़्यादा यहाँ पे पीसफुलनेस बहुत ज़्यादा है आपको खामोशी का एहसास होता है आपको ठहराव का एहसास होता है अंदरून शहर की चहल पहल से दूर आपको लगता है कि मैं किसी ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहा हूँ जहाँ पर नेचर आपके बड़े करीब है और ओवरऑल साफ़ सुथरी जगह वाइल टॉकिंग अबाउट द कम्युनिटी, ज़्यादातर लोग जो हैं उनका कहीं ना कहीं से ताल्लुक नेवी के साथ है या फोर्सेस के साथ है तो इसी वजह से एक इन्वायरमेंट अच्छा है पढ़े लिखे और अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोग यहाँ पे आबाद हैं तो अभी हो गई इन्वायरमेंट की बात अभी हम करते हैं घर की इट सेल्फ बात आ, फाइव मल्ला डबल स्टोरी स्पेनिश हाउस एट नेवल एंड करेज कारपोर्स में अभी हम आ, आपको विजिट करवा रहे हैं कार पोर्च में यू कैन पार्क ओनली वन कार क्योंकि ट्वेंटी फाइव इंटू फिफ्टी इस घर का साइज़ है और इसके साथ साथ स्टेयर्स के नीचे यहाँ पे आपको स्टोरेज की जगह दी गई है जहाँ पे आप अपनी चीज़ें रख सकते हैं अभी हम एंटर होते हैं इस घर में फ्रॉम द टी वी लाउंज और पूरे घर में जो है वाइट गोल्डन और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किए गए हैं और इनका कोर रिलेशनशिप इन तीनों कलर्स का एक काफ़ी गहरा है आपको इस घर के इंटीरियर डिज़ाइनिंग देख के तमाम चीज़ों को आइडिया होगा जो फैंस यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं या जो एलईडी लाइट्स इस्तेमाल की गई हैं या इसके अलावा जो पेंट की क्वालिटी है या जो पेंट की फिनिश है वो तमाम चीज़ें मुझे अप टू द मार्क लगें किसी जगह पर मुझे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं नज़र आया एल्यूमिनियम विंडोज़ यूज़ की गई हैं जो कि स्लाइडिंग पैनल्स के साथ आती हैं एंड ओवरऑल uh, अगर फर्स्ट इम्प्रेशन में भी आप इंटीरियर देखें तो आपको देखने का दिल करता है और देखने से मान ही रखता है ये है जी देर के दरवाजे और इसके साथ साथ इन में जो है इन्होंने स्पेशल ये चीज़ दी है जिसमें आप अपना जो है वो की इंसर्ट कर सकते हैं उसके बाद इसको आप नीचे कर दें तो एक होता है ना वो एक होल नज़र आ रहा होता है चाबी का तो वो आप उसे छुपा लेते हैं और इसके साथ साथ ये है जी इस घर का टीवी लाउंज और अभी हम लेके चलते हैं आपको किचन के अंदर किचन के अंदर ये बड़े प्यारे से लैंप्स यहाँ पे लगाए गए हैं अगर पूरे घर में अंधेरा कर दिए जाए और रात के वक्त सिर्फ ये लैंप्स जला दिए जाएँ तो काफ़ी अच्छा इन्वामेंट प्रोवाइड करते हैं ये लैंप्स रेड कलर की लेमिनेशन यहाँ पर इस्तेमाल की गई हैं जो कि मेरे ख़्याल से थोड़ा सा थोड़ा सा टेस्ट को ख़राब कर रहा है यहाँ पे ब्लैक कलर की ही यूज़ की जाती है क्योंकि पूरे घर में जो कॉम्बिनेशन चल रहा है ब्लैक कलर या ब्राउन कलर अलोंग विद द वाइट तो काफ़ी अच्छा लगता आ, इसके साथ साथ इस्थेटिक्स इस घर के अच्छे हैं डोर्स वगैरह और बीच में हर वॉल पे जो है वो थोड़ी थोड़ी डिज़ाइनिंग की गई है वन ऑफ द टॉप नॉच यहाँ पे आपकीशन शीट्स इस्तेमाल की गई हैं सबसे एक्सपेंसिव अगर आपने इनके रेट्स वगैरह देखने तो हमारा सेकेंड चैनल जो है अपना घर डॉट पी के कॉस्टिंग वहाँ पर मैंने इन तमाम चीज़ों के रेट्स वगैरह अपलोड किए हैं यू कैन चेक दैट मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा एंड अभी हम आते हैं जी वॉशरूम के अंदर एंड भाई आपके वीडियो के अंदर आ चुके हैं और चैनल को सब्सक्राइब आपने करना है भाई जब भी आते हैं इट मीन्स यू हैव टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल और पीछे आपको ख़ातर जगह दी गई है फॉर द सेक ऑफ लॉन्ड्री और यहाँ पे आप अपने कपड़े वगैरह धो सकते हैं और इसके साथ साथ ये सेकेंड बेडरूम है टोटल इस घर में जो है वो फोर बेडरूम है गीज़र भी दिया गया है क्योंकि आगे ऑब्वियसली विंटर के सीज़न है आगे क्या विंटर सीज़न ऑलरेडी आ चुका है तो अगर हम एम्यूनिटीज़ की बात करें इस घर की तो यहाँ पर नेविज में आपको किसी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं होने वाला इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे अवेलेबल है गैस के मीटर्स यहाँ पे इजीली इंस्टॉल हो जाते हैं पानी यहाँ पे सप्लाई का भी आता है अगर आप चाहें तो बोरिंग का भी करवा लें तो यहाँ पर आपको इन तमाम मसलों से परेशानियों से आज़ादी है कि वैसे तो मुख्त सोसाइटीज़ में इंसान अपनी ज़िंदगी में फ़ोकस करने से ज़्यादा इन्हीं चीज़ों पर फोकस करता है कि यार आज टेंकर डलवाना है आज जो है वो गैस नहीं आ रही आज जो है वो ये मसला हो गया तो एनी वेज़ वाशरूम्स जो हैं यार आ, अगर मैं देखूँ तो ठीक है टाइल्स अच्छी लगी हुई हैं वैनिटीज़ अच्छी हैं यहाँ पर सीट्स वगैरह गुड हैं सो तो यहाँ से अभी हम निकलते हैं बाहर अभी तक हमने घर के डिज़ाइनिंग के हवाले से बात की है घर के एस्थेटिक्स के हवाले से बात की है यहाँ के इन्वामेंट के हवाले से बात की है तो मैं थोड़ी सी सस्ती प्रमोशन भी कर देता हूँ हम प्रोवाइड करते हैं अपना घर डॉट पी के प्रोवाइड करता है कंस्ट्रक्शन सर्विसेज एज़ वेल स्क्रीन पर आपको दिया हुआ नंबर आ रहा होगा ये हमारी कंस्ट्रक्शन की टीम है रावल पिंडी इस नाम आपने कहीं पे भी घर बनवाना हो या प्लाजा बनवाना हो या किसी किस्म की भी कंस्ट्रक्शन करवानी हो आवर टीम इज अवेलेबल सो कमिंग बैक टू द वीडियो यहाँ से चलते हैं अभी हम सेकेंड पोर्शन पे एंड मीन वायल वी विल टॉक अबाउट द प्राइस ऑफ दिस हाउस प्राइस दग 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 दग, दिल में दग धग होती है बेसिकली प्राइज़ की यार अगर बात करूँ तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ मैं इस घर की प्राइज से Uh, जिस तरह का ये घर है ओवरऑल नो डाउट अबाउट दैट एवरीथिंग इज पैक्टैकुलर एवरीथिंग इज जस्ट टॉप नॉच उसमें तो दो राटीज तमाम यहाँ पे अवेलेबल हैं स्ट्रीट्स बहुत अच्छी तमाम स्ट्रीट्स कारपेटेड हैं इन्वायरमेंट आउट क्लास लेकिन मसला आता है प्राइस पे अब प्राइस जो इस घर के ऑनर ने मुझे बताई है दैट इज टू करोड़ अच्छा नाउ कंसिडरिंग द फैक्ट कि यहाँ पे प्लॉट की प्राइस अभी तकरीबन तकरीबन एक करोड़ के करीब टच हो चुकी है कंस्ट्रक्शन uh, की कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है इसके अलावा इस घर में जिन्होंने काम कराया वो भी टॉप क्लास है लेकिन स्टिल आई फील कि दिस हाउस इज अ बिट ओवर प्राइज्ड क्योंकि ऑल इन ऑल एट द एंड ऑफ द डे ये घर है तो पाँच मरले का ही और आप में से काफ़ी लोग सोचेंगे कि यार अगर हम दो करोड़ ही खर्च करें तो हम और मुख्त जगहों पे कर सकते हैं वहाँ पे आप इवन कुछ जगहों पे तो आप दस मरले का घर भी हासिल कर सकते हैं इतनी प्राइस में सो ऑल इन ऑल ये एक लंबी डिबेट है और uh, इसको हम यहीं पे करते हैं कंक्लूड और टी वी लॉन्च में अभी हम आ चुके हैं सेकेंड पोर्शन के उसी तरीके के यहाँ पे आपको कबर्ड दी गई है वैसे ही लेमिनेशन यूज़ किए आपके किचन के अंदर सिमिलर पैटर्न्स हैं सिमिलर लेआउट प्लान्स हैं जो कि आपको ग्राउंड पोर्शन पे देखने को मिले वैसा ही यहाँ पे आपको लैंप लैंप देखने को नजर आ रहा है और ओवरऑल किचन जो है वो लुक्स स्टनिंग लेकिन अगर यहाँ पे ब्लैक कलर की लेमिनेशन दी गई होती तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी इसकी खूबसूरती में और इजाफा हो जाता क्योंकि वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन थ्रू आउट द हाउस चल रहा है कबर्ड्स uh, की बात करें तो पोजीशन थोड़ी सी चेंज की गई है एज़ कम्पेयर टू द ग्राउंड पोर्शन लेकिन अगेन वन ऑफ द टॉप नॉच यहाँ पे लैमिनेट्स इस्तेमाल किए गए हैं सबसे महंगे वाले uh, जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं और uh, इसके साथ साथ डिफरेंट डिज़ाइंस यहाँ पे इन्होंने दिए गए हैं दिए हुए हैं इस घर में कंसिस्टेंटली डिफरेंट वॉल्स पे और uh, इसके साथ साथ अब यहाँ पर आपको ये वॉश बेसन जो है थोड़ा सा थोड़ा सा uh, हल्के वाला इस्तेमाल किया है सेकेंड पोर्शन में uh, पूरे घर में जो है वो मेरे ख़्याल से अगर आपने ग्राउंड पोर्शन पे अच्छी चीज़ इस्तेमाल की है तो आपको सेकंड पोर्शन पे भी वही चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे इन्होंने पीछे एक सेपरेट जगह दी गई है जिसको आप कह लें कि एक किस्म का टेरिस बनाया गया है अमूमन लोग यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं लेकिन पीछे आपका ओपन एरिया है ओपन uh, लैंड है जिसकी वजह से इन्होंने यहाँ पर ग्रिल लगाई है और यहाँ पर आप कुर्सी डाल के बैठ सकते हैं आप धूप लगवा सकते हैं एंड बारिश वाला मौसम है तो आप यू कैन इन्जॉय द रेन एज वेल एक नेट का डोर भी दिया गया ताकि आपको मॉस्किटोज़ और फ्लाइज से इशू ना हो सो so, ओवरऑल ये चीज़ मुझे काफ़ी पसंद आई कि इन्होंने पीछे से भी जो है वो एक आ, ऐसा इन्वामेंट बनाया कि जहाँ पे आप बैठ सकें गपशप लगा सकें आपका कोई दोस्त आ जाए अब यहाँ पे बैठ के यू कैन हैव सिप ऑफ टी और यहाँ पे भी इन्होंने डिज़ाइनिंग काफ़ी अच्छी की है तो इसके साथ साथ अभी हम निकलते हैं बाहर और वॉशरूम हमने ये देख लिया एंड एक दफ़ा फिर रिव्यू कर देता तो हूँ इस घर को आ, वी वर एट नेवरलैंड करेज इस्लामाबाद एंड वी हैड अ फ़ाइव वाला डबल स्टोरी स्पेनिश हाउस जो कि मैं आपको पूरा पूरा दिखा चुका हूँ हमने बात की यहाँ पे अभी तक डिज़ाइनिंग की इस घर के कलर स्कीमिंग की इन्वायरमेंट की इस घर के प्राइस की और और क्या रह गया है यार बता दें इतनी चीज़ें होती हैं सम टाइम कोई ना कोई चीज़ जहन से निकल जाती है और आप लोगों ने वहीं पे मुझे पकड़ना होता है कमेंट्स में कि असद भाई ये चीज़ आपने मिस कर दी सो so, अब मुझे याद करने तो ऐसी कौन सी चीज़ें जो मैंने इस घर में मिस की है अभी तक हाँ अम्यूनिटीज़ की भी हमने बात कर ली कि पानी बिजली गैस यहाँ पर तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं कंस्ट्रक्शन की बात नहीं की हाँ कंस्ट्रक्शन की बात नहीं की अभी तक कंस्ट्रक्शन वाइज़ ओवरऑल घर लुक सॉलिड किसी जगह पे मुझे कोई फ्लॉर देखने में नहीं नहीं नज़र आया ना ही लेआउट प्लान में ना ही कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में तो उस लिहाज से भी ये घर अप टू द मार्क है सो आई होप कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ऊपर जो है वो मुमटी ही है सर्वेंट क्वार्टर यहाँ पे नहीं है जो कि होना चाहिए था आई फील कि जो बंदा इतना लविश घर लेगा मे बी ही हैज़ सम सर्वेंट्स एज वेल और ये वही नीचे वाली जगह जहाँ से मैंने आपको दिखाई थी सो आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी इन शह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जस्ट रिमेंबर इन योर रिमेंबर इन योर प्रेयर्स एंड अपना ख्याल रखिएगा दो में याद रखिएगा अल्लाफ